वैसे तो टॉप 10 में गुजरात का ये एक्विजिशन आता था अंबुजा और सांगी का, लेकिन उससे उसके बजाय गुजरात गैस समझे। नतीजा आए कल बाजार बंद होने के बाद, उम्मीद से कमजोर नतीजे रहे। रेवेन्यू 4% घटकर आया, कामकाजी मुनाफा में 31% की कमी और मुनाफा 42% घटकर हर एक पैरामीटर पर कमजोर नतीजे। और सिटी की तरफ से डाउनग्रेड आता हो जाएगा, न्यूट्रल से सेल की रेटिंग और 530 से टारगेट घटाकर 420। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कमजोर नंबर्स इसके भी आए हैं, अनिल जी ने स्टॉक कंट्री में तो बात करी दी थी, बट रेवेन्यू फ्लैट था, ऑपरेशनली दबाव आपने देखा है, 8% एबिटा गिरा है, मार्जिन्स 2% कमजोर हुए हैं और मुनाफा भी 19% गिर कर आया है। इंडिगो बहुत ही जबरदस्त तोड़फोड़ शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की, सुपरलेटिव हर एक पैरामीटर पे उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर नतीजे, चाहे वो आय ले ले, मुनाफा ले ले, मार्जिन ले ले और कामकाजी मुनाफा, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की। और सिटी की तरफ से एक बड़ा अपग्रेड, टारगेट 2900 से बढ़ाकर 3400 के किए हैं सिटी ने। साथ ही एचपी सेल के भी बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे हैं, कामकाजी मुनाफा 2 गुना बढ़कर आया है, मार्जिन्स आपके बढ़कर डबल हो गए हैं, मुनाफा आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है, सिटी ने भी टारगेट बढ़ाकर 320 का कर दिया है। नारायण रुद्रालय अच्छे नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू 19% बढ़कर, कामकाजी मुनाफा 41% बढ़ा है, मार्जिन्स 22% के इम्प्रूव होकर आए और मुनाफे में 66% की शानदार परफॉर्मेंस नारायण की तरफ से। शानदार परफॉर्मेंस मैनकाइंड फार्मा की तरफ से भी, रेवेन्यू 18%, मुनाफा 65%, एबिटा 43-44% और मार्जिन 21% के 25.5% के आए हैं। गेमिंग कंपनियों के लिए कहीं कोई राहत की खबर मिलती नहीं दिख रही, और कल जो बैठक हुई उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की आय पर 28% की जीएसटी की दर को बरकरार रखा जाएगा, एंट्री लेवल पर जीएसटी लगेगा, अगर इसे आप राहत माना चाहें, यानी कि अगर आपने कोई पैसा जीता है तो उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो कॉइन्स खरीद कर आप खेलने जाते हैं उन पर तो लगेगा ही लगेगा, और 1 अक्टूबर से ये नियम लागू होने वाला है। ब्लॉक डील होगी वेदांता में, प्रमोटर ट्विन स्टार 4.25% हिस्सा बेचने वाली है 258.5 के भाव पर, 4,130 करोड़ की ये बड़ी ब्लॉक डील होगी अभी। बिल्कुल, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग यहाँ पर भी बड़ी ब्लॉक डील होने की तैयारी में, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर बैन कैपिटल यहाँ पर बेचने जा रहा है करीबन 8 करोड़ शेयर, 3.25% हिस्सेदारी, 128.10 की फ्लोर प्राइस रखी है और डील साइज है 1,000 करोड़ से ज्यादा की। आईटी कंपनीज पर भी रखिए नजर, अभी भी कॉग्निजेंट के नंबर्स आए थे, तीसरी तिमाही में जो आय का गाइडेंस है वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है, अमेरिका में पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 7.5% ऊपर था ये शेयर, बट नंबर्स वैसे थोड़ा अनुमान से बेहतर आए हैं, हालांकि सुस्त नंबर्स आए, तो आईटी आज फोकस में रह सकता है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।